वो मर्द मुजाहिद था वो हक का असद था वो मज़लूम का महबूब था वो जालिम का दुश्मन था वो इनकलाब था वो ललकार था बलोच तहरीक आज़ादी के सरखेल, खेल बबा बलोच मज़ात ममताज़ बलोच कौम परस्त रहनमां सरदार खैरब्श्श मरी के दस्त रासत, आज़ादी पसंद तंजीम बलोच लिब्रेशन आर्मी का सरबराह समझा जाने वाला बलोच गोरीला लीडर और इनकलाबी रहहीद सिप सालार नवाबजादा मीर बालाच मरी सत्रह जनवरी उन्नीस सौ छासठ को बलोचिस्तान के एक पासमंदा इलाका मरी बलोचों के हेडकोटर कहान में पैदा हुए दोस्तों वीडियो पे चलने से पहले आपको स्पेशल रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें बलोच सपूत बालाच मरी ने इब्तदई तालीम कोटिया के एक ग्रामर स्कूल से हासिल की और सत्तर की दिहाई में बलोच कॉम परस्त बिलखसूस नवाब बख्श मरी और मरी कबीला के हज़ारों लोगों के हमरा अफगानिस्तान में जलावतनी अख्तियार की और वहां से सनवी तालीम हासिल करने के बाद आला तालीम के हसूल के लिए उस वक्त के बलोच कौमी तारीख से हम आहंगी रखने वाले दोस्त मुल्क रूस चले गए और मास्को के एक यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेशन और मास्टर्स इन इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की अफगानिस्तान और रूस में बलोच नौजवानों के सफीर माने जाने वाले शहीद नौजवान बालाज तवील जलावतनी के बाद अपने बुजुर्ग वालिद और कबीले के हजारों लोगों के हमरा उन्नीस के आगाज में बलोचिस्तान से वापस अपने आबाई सरजमीन बलोचिस्तान तशरीफ लाए और सत्तर साल के दौरानिए में उन्होंने सियासी प्लेटफॉर्म से बलोच जदोजहद को आगे बढ़ाने की भरपूर कोशिश की बलोच कौमी तहरीक की इंटरनेशनल सितह पर पजीराई अहमियत का हामिल समझ कर बैनी इदारों के सामने बलोच कौमी सवाल को उजागर करने की गर्ज से उन्नीस सौ नवानवे में बरतानिया चले गई इसी दौरान जस्टिस नवाज मरी कत्ल केस में ठहराए गए, लेकिन तादम तहरीर इस केस का न तो फैसला हो सका और न ही शहीद सालार और उनके बुजुर्ग वालिद या किसी भी शख्स पर यह केस साबित हुआ है तारीख के बालाज को अमर करने वाले शहीद सालार बलाच मरी ने दौरान जलावतनी सिंध बलोच फोरम बलोचिस्तान एक्शन कमेटी यू और बलोच राइट्स कमीशन की नुमाइंदगी हासिल की और बैन अवी सतह पर बलोच मसले को भरपूर अंदाज में उजागर किया लंदन में जलावतनी के आयाम में शहीद गोरीला लीडर ने बरतानिया अमरीका स्वीडन समेत दीगर यूरोपी और खलीजी ममालिक में मुकीम आज़ादी पसंद बलोच रहनमाओं व कारकुनों से कौंसल फॉर इंडिपेंडेंट बलोचिस्तान के कयाम की तजवीज़ दी लेकिन मुनासिब वक्त के इंतजार को जरूरी समझ कर उसका एलान उस वक्त न हो सका बलोच इनकलाबी की जलावतनी के आयाम में आपके हामियों ने दो हजार दो के आम इंत में कोहलो कहान की सूबाई नशस्त पर आपके कागजात नामजदगी जमा करा दिए शहीद बालाच मरी की अदम मौजूदगी और उनके मुखालफन को सरकारी हमायत हासिल होने के बावजूद उन्हें भारी अक्षरित से कामयाबी हासिल हुई क्योंकि चूँकि जलावतन शहीद जस्टिस नवाज मरी कत्ल केस में मुल करार दिया गया था इसलिए उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में कबल गिरफ्तारी जमानत जमा करा दी और चार साल जलावतनी के बाद बलोचिस्तान तशरीफ लाई और अपने हामियों के एक जुलूस की शिकल में बलूचिस्तान असम्बली के हल्फ बरदरी की तकरीब में शरीक हुए मगर दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने हलफ बरादरी की तकरीब के दौरान पाकिस्तान से वफादारी के बजाय से वफादारी का नारा बुलंद किया जिस पर न सिर्फ ऐवान बलोचिस्तान में खलबली मच गई बल्कि इस्लामाबाद के शेष महलों में बैठे लोगों के जहनों में भी एक झटका सा आया कौमी आजाइवी के लिए पार्लियामेंट के माराद को खैराबाद कहने वाले शहीद बलाज मरी ने इस्लामाबाद बलोचिस्तान इसम्बली में अपनी पहली तकरीर के दौरान वाजह लफ्जों में कहा पंजाब के जेर ताबिया इस्बलियाँ महकूम और मजलूम कौमों के दुखों का मदवा नहीं कर सकती क्योंकि मरकजी असम्बली में बलोचिस्तान सिंध और सरहद के मंबरान की कलील तादाद मौजूद है जबकि पंजाब अददी अक्सरत में सब पर हावी है बलोचिस्तान और दीगर दोनों सूबे मुश्तरक तौर पर पंजाब की मर्जी के बिना कोई बिल पास करने के अहल नहीं ऐसी से मजलूम व महकूम कौमों की तकदीर बदलने के उमेंद लगाना कौम और अपने आप को धोखा देने के सिवा कुछ भी नहीं आजाद बलोचितान का ख्वाब दिल में लिए अपनी सरजमीन पर फिदा होने वाले अजीम हीरो मीर बलाज मरी असम्बली के सिर्फ दो सेशन में शिरकत करने के बाद

इसकी अहमियत को नहायत ही कम से बयान किया हालांकि कौम परस्ती के दावेदार दीगर रहन के सामने को कौमी आजादी से बढ़कर तरजीह दी जाती है मगर बलोच कारवा के शव फिरोजां करने वाले बलोच गोरि लीडर शहीद बलाज चूंकि दावेदारी के बजाय हकी कौम रहनम था इसलिए उन्होंने असेंबली नशस्त ऐशो आराम की जिंदगी को ठुकरा कर अपने आज बलोच कौम के कल के लिए कुर्बान करने को तरजीह देकर पहाड़ों का रुख किया, जहां पर बलोच कौमी अजाओ के लिए ऐशो आराम को छोड़कर राहों का इंतखाब करने वाले बलाचमरी आला तलीम याफ्ता फहमो फरासत के मालिक अपनी धरती के जज्बे से सरशार अजीम गोरिला लीडर की ने सिर्फ बलोच सरमाचारों के हौसला अफजाई जारी रखने में अहम अदा किया। बलोच कौम आजाई के जवा रहनमा बालाच मरी ने अपने आबाई इलाके पहुंचते ही सबसे पहले मरी बुगटी देरीना खून रेस तनाजा के तस्वीर को जरूर समझा और वो ये दर्द लिए जब नवाब बुगटी के पास पहुंचा तो नवाब साहब ने न सिर्फ हामी भर ली बल्कि इस मसले के हल के लिए बुगटी कबाइल के तरफ से तमाम तरअतियारियात अपने सियासी जानशीन नवाबजादा बरहमदाग बुगटी के सुपरद किए और दोनों नवाबजादा गान और कबायली मतबरीन की ख्वाहिश पर इस तनाज़े के हल के लिए मरी बुगटी सरहदी इलाका डोनी के मकाम को चुना गया और चंद ही दिनों के अंदर शहीद सिपर सालार नवाबजादा बालाच मरी और मौजूदा आज़ादी पसंद बी आर पी के सरबरा नवाबजादा बरहदा बुटी की क्यादत में डोई के मकाम पर मरी बगटी देरीना कबायली जंगो जदल का खात्मा कर दिया गया और मरी बगट्टी आपस में शेर व शिक्र हो गए सत्तर की दिहाई में शुरू होने वाले मरी बगट्टी कबायली खून रेस जंगों के खात्मे के लिए मरहोम जनरल शेरू मरी और नवाब बुगटी की क्यादत में एक अजीम और तारीखी जिरगा ने सार्ताफ मरी इलाका में तमाम तस्फिया तलब मसाइल हल किए थे लेकिन कई दुहाई गुजरने की वजह से इस फैसले के बाद कई छोटे मोटे झगड़ों ने कौमी जंग की शिकल अख्तियार की थी मगर नवाब मरी नवाब बुगटी की जती ख्वाशत पर नवाब जदगान के सरबरा में इन मसाइल के हल के लिए एक और कौमी जिरगा ने आपस की तमाम मामला को खत्म करके कौम को आपस में मुतह किया मरी बलोचों की बलोच कौमी तहारीक से देरीना वाबस्तगी और कौमी आजाऊ की तारीख में उनका किरदार किसी तारफ़ व तारीफ का मोहताज नहीं मगर इस कौमी जरगे और कौमी मसायल के हल ने बगटी बलोचों को बलोच कारवां के करीब तर्क करने में अहम किरदार अदा किया बगटी बलोचों में चूंकि इससे कबल काबिज पाकिस्तान के खिलाफ शिकायत रोज बर रोज इजाफा होता जा रहा था काबिज पाकिस्तान से दूरियां बढ़ रही थी और कई सालों के बाद बुकती बलोचों में बलोच कौमी तहरीक और कौमी आजाओ की रुझाना में इजाफा हो रहा था मरी और बुट्टी बलोचों की आपस के इतिहाद ने संगे मेल का किरदार अदा किया आपस में बैठ कर गुफ्त शहीद शनीद करते रहते थे और बलोच कौमी तारीख को मजीद कामयाबी की राह पर डालने की बहस व मुबासा करते रहते और उसी दौरान नवाब बुगटी और बालाज मरी मजामती तारीख के सरखेल शुमार किए गए नवाब नवाबुगटी वाजिया कर चुके थे कि अगर हम पर जंग मुसलत कर दी गई तो इस मरतबा वो जंग की कमान खुद करेंगे देखते ही देखते मामला बिगड़ता गया पूरा बलोचिस्तान मैदान कारजार का मंजर पेश करने लगा नवाब साहब की टारगेट करने की कोशिश की गई सत्रह मार्च दो हजार पाँच को डेरा बुगटी में उनकी रिहायश गाह पर सैकड़ों गोले बरसाए गए इस कार्रवाई में नवाब साहब खुद तो महफूज रहे मगर कई दर्जन नहते सिविल फलोच और अकेली जख्मी हो गए बलोच मजामती तहरी के हर सतह पर बढ़ते हुए मकबूलियत और रियाती इधारों के खिलाफ रोज बरोज बर बढ़ते वाकत के रद्द में हुकूमत ने एक मरतबा फिर पूरी रियासती मशीनरी इस्तेमाल करके नवाब बुकटी को डेरा बुकटी छोड़ने पर मजबूर कर दिया नवाब साहब ने पेरान साली में डेरा बुगटी के महिलात को छोड़कर पहाड़ों में रुपोश बलोच मजामत कारों की कमान संभाली चंद वक्त डेरा बगटी के कुर्ब वजार में क्याम करने के बाद डाडा बलोच ने मरी इलाके में सुकूनत अख्तियार की कोहिस्तान मरी की पहाड़ी सिलसिले डेरा बुगटी से नस्बता ज्यादा महफूज तस्वर होती हैं नवाब बुगटी की डेरा बुगटी से निकल कर बलोच सर्माचारों को कमान करना कब्जागिर हु को हरगिज गवारा न था और बाला आखिर छब्बीस अगस्त दो हजार छह को मरी इलाका तरा तानी के मकाम पर एक बहुत बड़ी फौजी कार्रवाई के बाद हुकूमती सतह पर नवाब साहेब की शहादत की खबर आई इस वाक्य में कई फौजी आला आलाेदार और सिपाही भी मारे गए शहीद की शहादत के रद्द अमल में बलोचिस्तान भर में मुजाहरों जलाओ घेराओ का सिलसिला शुरू हुआ नवाब भुगती की शहादत के वाक्य के बाद बलोच कौमी तहरीक की कमान के हवाले से बलोच कौम की नजरें बलोच कौम परस्त रह नवाब मरी के ख्याल और तस्वरत पर पूरा उतरने वाले बालाच मरी पर लगी रही और बलोच कौमी तहरीक को जिंदा व जदान रखने वाला बलाच मरी ने बलोच कौम के तवक़ात ऐसी बढ़कर बलोच कौम तहरीक के कमान की शहरी सहूलियात और आराशों को छोड़कर पूरी जिंदगी तकालीफ पहाड़ी सलों में गुजारने का अजम करने वाला बलाच मरी बलोच नौजवान अपना आइडल तस्वर करने लगे और बलोच हल्कों तंजीमी दफातर कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में इसे ची गवेरिया के नाम से पुकारा जाने लगा और बाज औका बलोच नौजवान इनकी खुफिया ठिकानों में इससे मुलाकात करके सियासी लेक्चर लेते रहे और सैकड़ों की तादाद में बलोच नौजवानों ने शहीद इनकलाब के जेर कमान मसल जदोजहद की ट्रेनिंग हासिल की और बलोचिस्तान के तोल अर्ज में जारी शहरी गोरला जंग और मुनजम कामयाब जदोजहद के पीछे शहीद सिपह सालार की ट्रेंड करदा नौजवानों का एक बहुत बड़ा किरदार है। अजीम गोरिला लीडर बलोच नौजवानों और मसला जिदोजहद पर यकीन रखने वाले बलोच आजादी पसंद फर्जिंदों के दिलों में राज करने लगा इस बहादुर और अजीम हस्ती की तस्वीर हर बलोच घर मेहमान खाना और तदरसी कुतुब की जीनत बनती गई कि अचानक 20 नवंबर 2007 को ये खबर गर्दश करने लगीजदों के, के और चराग और कौमी आजाओ का रोशन सूरज जुदा हो गया साठ सालों ऐसी मजलूम महरूम कौम की उम्मीदें जिस अजीम लीडर ऐसी वाबस्ता थी उस हीरो की अचानक शहादत की खबर ने हर बलोच फर्जंद को गमजद निढाल और हर आँख को अश्कवार बना दिया दिल ये मानने को कहा त्यार था की हर बलोच की दिल की धड़कन और बलोच कौमी आजाओ की जिंदा व जादवा मिसाल बलोच धरती को अलविदा कर चुका है